स्कूल सफाई कर्मचारियों का पैसा गबन का मामला सामने आया है, जहां मगर लोड के सरकारी स्कूलों का सफाई कर्मचारियों को पिछले 11 साल से 4 घंटे की जगह सिर्फ 2 घंटे का पैसे का भुगतान किया गया, जबकि काम प्रशासन के ने 4 घंटे का किया है, जिसके चलते घर बार चलाने में काफी परेशानी हो रही है। बाकी 2 घाटे का 2013 से लेकर वर्तमान तक का 2,58,68,929 रुपए बकाया है, जिसको लेकर सभी कर्मचारी कलेक्ट्रेट पहुंचकर शिकायत किया। बताया जाता है कि शिक्षा विभाग ने सभी कर्मचारियों का पैसा पूरा भुगतान हो जाने का दावे कर रहे हैं, जबकि हकीकत कुछ और ही है। साथ ही सबसे बड़ा सवाल, आखिर क्यों कर्मचारियों को 2 घंटे का पैसा मिला और 2 घंटे का पैसा कहां गया। साथ ही कर्मचारियों ने कहा कि यदि कलेक्ट्रेट से उनकी मांग पूरी नहीं होती तो उग्र आंदोलन करने की बात कही है। बहरहाल प्रशासन ने मामले को हमने संज्ञान में ले लिया है। पैसे की तो मांग किए थे, लेकिन डीओ के द्वारा मंत्रालय में मांग पत्र भेजा गया था, वहां से अब राशि आया कि नहीं आया इनके बारे में तो हमको जानकारी नहीं है। हम लोग छोटे कर्मचारी हैं, हम बीओ के पास गए, बीओ के बाद डीओ के पास गए, लेकिन आज बीओ के पास लेटर लगाने के बाद डीओ कहता है कि हम लोग पेमेंट कर चुके हैं 4 घंटे का। तो इनका राशि की जांच होनी चाहिए, क्योंकि हमें भी पता नहीं, क्योंकि हम मजदूर आदमी हैं, हमारे जब तक खाता में आएगा तभी जानेंगे कि हमको मजदूरी दिया गया है ना। तो मजदूरी अभी तक हमको प्राप्त नहीं हुआ है, और डीओ सर बोल रहे हैं कि इनका भुगतान हो चुका है, तो बीच में हमारा जो पैसा है वो कहाँ गया है। इनकी उच्च जाँच होनी चाहिए, ताकि हम छोटे कर्मचारी का थोड़ा सा कुछ राहत हो सके, मिल सके। हमने 2000 स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जब शुरुआत में हमको कार्य हमको नियुक्ति किया गया तो 2 घंटे के हिसाब से कलेक्टर दर के हिसाब से मानदेय दिया जाए और उसे काम लिया जाए। उसके उपरांत 2013 में हमको 4 घंटे कार्य लिए जाने का आदेश स्कूल शिक्षा विभाग और संचालक महोदय के द्वारा प्रसारित हुआ था। उसी की रिफरेंस में जिला शिक्षा अधिकारी ने विकासखंड शिक्षा अधिकारी को आदेशित किया कि इन लोग से 4 घंटा कार्य लिया जाए, लेकिन 4 घंटे तो कार्य लिया गया, लेकिन हमें केवल 2 घंटे का ही मजदूरी भुगतान हुआ है और 2 घंटे का बकाया है। इसका पुष्टि एक तरफ पर विकास जिला शिक्षा अधिकारी मानदेय भुगतान कर चुके हैं बोल रहे हैं, तो वही दूसरी तरफ संचालक महोदय को मांग पत्र भी जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा भेजा जा रहा है और विकासखंड शिक्षा अधिकारी द्वारा 2 घंटे की बकाया ऐसे पुष्टि करके मांग पत्र जो है जिला शिक्षा अधिकारी को भेज रहे हैं। उसको हमने संज्ञान में ले लिया है, उसका परीक्षण कराएंगे। अगर किसी भी तरह से उनका अंशकालिक कर्मचारी हैं